मानते नहीं कहते, औरता मानते नहीं कहते, औरता मानना तो दूर की बात। जो लोग औरतों को सामने रखकर शरीयत बदलना चाहते हैं वो कान खोल कर नहीं, कान फोड़ कर सुन ले। तुम्हारे कानों में पता नहीं कि किस कुत्ते का मूत है। अरे डरने की क्या जरूरत है? औरता मानते नहीं कहते, औरता मानते नहीं कहते, शरीयत का कानून यक्सा सिविल कोर्ट को औरता पसंद कर रही कहते। अरे रे 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 रे, किसी के मानने किसी के ना मानने से शरीयत पर असर नहीं पड़ता। जो औरतें शरीयत के कानून को पसंद नहीं करती और यक्सा सिविल कोर्ट कानून की हामी है, पता नहीं कि इस वक्त उनके पास ईमान भी है कि नहीं है। इसीलिए हजरत उलमा ये आजिज़ बार बार कहता है, हजरत उलमा और ये आजिज़ बार बार कहते हैं कि भाई नमाज ना पढ़ना अलग चीज़ है, नमाज का इनकार करना अलग चीज़ है। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो काफिर नहीं होंगे, नमाज का इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएंगे। रोज़ा नहीं रखते गुनहगार होंगे, रोज़े का इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। हज नहीं करते गुनहगार होंगे, हज ही का इनकार करते हैं तो काफिर हो जाएंगे। शरीयत पर अमल नहीं करते गुनहगार हो जाएंगे। शरीयत का इनकार या शरीयत में तब्दीली चाहते हो तो फिर तुम्हारे हिजाब, तुम्हारे बुरखे, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारी दाढ़ियां और लोगों को दिखावे की तुम्हारी नमाजें सब तुम्हारे आईने में नजर आ सकते हैं, शरीयत के अकाउंट में नहीं। तुम कभी के शरीयत से बाहर हो चुके हो। औरता मानते नहीं कहते, औरता मानते नहीं कहते, औरता मानना तो दूर की बात। जो लोग औरतों को सामने रखकर शरीयत बदलना चाहते हैं वो कान खोल कर नहीं, कान फोड़ कर सुन ले। तुम्हारे कानों में पता नहीं कि किस कुत्ते का मूत है। औरतें तो औरतें, सारी दुनिया के अंदर 200 से 250 करोड़ मुसलमान है, टोटल 800 करोड़ है। कब की रिपोर्ट, अब तक कितने पैदा होगी की? सारी दुनिया मिलकर इस्लाम के खिलाफ जितनी कोशिश कर रही है अकरम साहब, रब्बे काबा की कसम, एक दिन भी अगर यही दुश्मनी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ होती तो मज़हब कभी का ख़त्म हो जाता। ये मज़हब खुदा का दीन है, इससे ज़्यादा सबूत और क्या हो सकता है। 1450 साल से लेकर आज 14 जुलाई 2020 पर 3:45 तक भी बराबर इस्लाम के साथ दुश्मनी जारी है। अमेरिका के वाइट हाउस से लेकर इस वक्त हिंदुस्तान के पार, इस वक्त की बात कर रहा हूं, मेरे मुल्क की बात नहीं, इस वक्त के मुल्क की पार्लियामेंट तक बराबर इस्लाम के साथ दुश्मनी, कुरान के साथ दुश्मनी, शरीयत के साथ दुश्मनी है। आज तक एक बाल भी उखाड़ ना सके। दो 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 का गोबोल को बमड़िया मार ले को छी, मार रही नहीं मार रही, सारी दुनिया में मार रही। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग अमल भी कर रही लोग, फिर भी इंसानियत पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। खुदा की यही कुदरत है। दूध पैदा करे तो ये, दूध पैदा करे तो वो, सारी दुनिया के अंदर तबीयत नॉर्मल रहती फिर भी डॉक्टर तड़ाता, तीसरी डिलीवरी बड़े जान को नुकसान। मरीज मंगया भी वो, डॉक्टर दिया भी वो, फौरन बोला था कर दे लो डॉक्टर साहब। एक साल के बाद जान को खतरा रहा तो कौन कहा कि अभी उसकी तदबीर करे? जब खतरा होने का अंदेशा हो तब उसका सोचे। मद्रास में एक्सीडेंट होता बोल को क्या सफर करना छोड़ डालेंगे?
अजीब बात है। अजीब पागलपन है। सारी दुनिया दो जनों और शादी होते ही जनों को 5 साल एंजॉय करो क्या की करो, हनुमान को जाओ क्या की जाओ, किधर की जाओ। परसों भी मुझे 1-8 दिन पहले पूछता, अच्छा शादी होते ही बच्चे जन सकते हैं क्या? मैं ही बोला तेरी ताकत का हिसाब मेरे से कहीं को पूछ रहा है। शादी होते ही बच्चे जन सकते हैं क्या हजरत पूछ रहा है। मैं बोला ये कई को बस सवाल पैदा हुआ, नहीं हजरत हमारे कजिन बोल रही कहते कजिन। मैं कजिन का तो मैं समझा नहीं जल्दी, खलेरे भाई को बोलते सकते वो कजिन, हमारे कजिन बोल रही 5 साल जन्ने को रहे। सारी दुनिया में कोशिशें हो रही है, दो जन्ना बोलकर हो रही है, लेकिन कल की रिपोर्ट और आज की रिपोर्ट पॉपुलेशन की उठा कर देखो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा ही नजर आ रही है। यह बात मैंने क्यों अर्ज किया कि 800 करोड़ इंसानियत में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं वल्लाहु आलम के 200 या 250 करोड़ मुसलमान हैं, सिर्फ 1000-2000 औरतों के एहतजाज करने या ना करने से शरीयत नहीं बदलेगी। हमें क्या कहते मालूम, इस्लाम क्या कहता मालूम। सारी दुनिया के अंदर फॉर एग्जांपल 250 करोड़ मुसलमान है कि या 200 करोड़ मुसलमान है, 200 करोड़ मुसलमान भी अल्लाह ना करे 200 करोड़ मुसलमान भी मुत्तफिक होकर किसी कानून के, शरीयत के कानून के खिलाफ मैदान में उतर जाए, तब भी शरीयत नहीं बदलेगी। तुम्हें तुम्हारी कौम की औरतों को बुरखा पिना को अब उन्हों मैदान में आ गए तो देखो मुस्लिम महिलाएं आ रही है, या खुद हमारी कौम की औरतें बुरका पहनकर मैदान में शरीयत के खिलाफ आ जाए तो कह दे कि मुस्लिम महिलाएं बाहर आ रही है। ये सच हो के झूठ, तब भी शरीयत नहीं बदलेगी जनाब। शरीयत क्या समझे, हिमालय की चोटी समझे कि किसी इंसान के बुलडोजर से गिर जाए? शरीयत एक महफूज चीज है जिसकी हिफाजत इंसान नहीं खुदा कर रहा है। सुनो तहकीकी जवाब सुनो। मिक्सा सिविल कोड बनाते इन द मूंजी की तंजावुर की मंजा